प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काशी दौरा आज 2100 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। यूपी की सबसे बड़ी दूध इकाई का करेंगे शिलान्यास, किसानों से करेंगे सीधा संवाद। यूपी में गरमाया अयोध्या राम मंदिर जमीन घोटाले का मुद्दा। अयोध्या पर फैसले के बाद कमिश्नर मेयर IAS MLA ने खरीदी जमीनें। मामले की जांच को CM योगी ने दिए आदेश। अधिकारियों को एक हफ्ते के अंदर पेश करनी होगी रिपोर्ट। यूपी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने किया बड़ा ऐलान। यूपी कांग्रेस ने ट्वीट कर सरकार बनते ही कर्ज माफ करने का किया वादा। आदित्य ठाकरे को जान से मारने की धमकी देने वाले शख्स को मुंबई क्राइम ब्रांच की साइबर सेल ने किया गिरफ्तार। जय सिंह राजपूत नाम के शख्स को साइबर सेल ने बेंगलुरु से किया गिरफ्तार। शख्स ने खुद को बताया अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत का फैन। दुनिया भर में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से दहशत। भारत में कोरोना के नए वेरिएंट के बढ़ते खतरे के बीच तमिलनाडु में ओमिक्रॉन विस्फोट। 33 नए मामले मिलने से मचा हड़कंप। राजधानी दिल्ली और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा केस दर्ज। देश में अब तक 280 मामले आए सामने। ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली सरकार ने क्रिसमस और न्यू ईयर सेलिब्रेशन पर लगाई रोक। 50% कैपेसिटी के साथ ही खुलेंगे बार और सिनेमा घर। भीड़ के इकट्ठा होने और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन पर भी लगाई गई रोक। देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की बढ़ती रफ्तार ने सरकार की बढ़ाई चिंता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोरोना की स्थिति को लेकर बुलाई हाई लेवल मीटिंग। वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने और बूस्टर डोज की जरूरत पर होगी चर्चा। देश के दो बड़े स्कूलों में कोरोना वायरस के विस्फोट से मचा हड़कंप। पश्चिम बंगाल के नदिया में नवोदय स्कूल में 29 बच्चे और हिमाचल के बिलासपुर के एक स्कूल में 23 बच्चे पाए गए कोरोना संक्रमित। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता आज भी बहुत खराब। SAFAR के मुताबिक दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 387 किया गया दर्ज। सड़कों पर धुंध के चलते लोगों को गाड़ी चलाने में हो रही दिक्कत। दिल्ली पुलिस ने ऑनलाइन फर्जी वोटर आईडी रैकेट का किया पर्दाफाश। गिरोह के दो लोगों को किया गिरफ्तार। वोटर आईडी कार्ड बनाने की फेक वेबसाइट बनाकर 10,000 लोगों को ठगा। मध्य जिले की पुलिस ने, सेंट्रल दिल्ली की पुलिस ने, पुलिस स्टेशन कमला मार्केट डिस्ट्रिक्ट साइबर यूनिट जो है, इन्होंने एक ऐसे मामले को का खुलासा किया, एक ऐसे गिरोह को पकड़ा है जिन्होंने एक नकली वेबसाइट बनाई थी वोटर आई कार्ड ई भारत सेवा डॉट इन के नाम से। ये वेबसाइट उन्होंने ऐसे बनाई थी वो नए वोटर आईडी कार्ड बनाने के लिए। एक सरकारी वेबसाइट की तरह का नाम इन्होंने चूज किया था और इसमें लोगों को धोखाधड़ी से चीट किया गया। लोगों से एक फीस चार्ज की गई जो कि नॉर्मली वेबसाइट में फ्री होती है, तो इन्होंने हर व्यक्ति से 650 रुपये चार्ज किए और वोटर आई कार्ड बनाने के लिए या फिर वोटर आई कार्ड में चेंजेस करने के लिए, और पूरी इंडिया में इस वेबसाइट को फ्लोट किया और इस तरह इन्होंने बहुत लोगों को धोखा दिया। इस वेबसाइट को इन्होंने गूगल ऐड के थ्रू प्रमोट भी किया, तो जब भी आपने वोटर आई कार्ड के लिए जब सर्च किया गया तो ये वेबसाइट सबसे ऊपर उसमें दिखाई देती थी, पॉपअप होती थी। तो इस पे लोगों को लगा कि ये एक सरकारी वेबसाइट है। सरकारी वेबसाइट में नॉर्मली फ्री में होता है, लेकिन इसमें इन्होंने लोगों को चार्ज किया रेजर पे के थ्रू। ये पैसा इन्होंने अपने अकाउंट्स में डलवाया और फिर पैसे को लेकर भाग गए। इसी के साथ इस वक्त की टॉप 10 खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को। वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।